हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछले वीडियो में 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स को के कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा था, तो चलिए देखते हैं आज उसके आगे के टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक का क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की स्वर्ण भंडारण रिपोर्ट 2019। ओके, अकॉर्डिंग टू विश्व स्वर्ण परिषद की स्वर्ण भंडारण रिपोर्ट 2019, इसके अनुसार अमेरिका का जो स्वर्ण भंडारण है, स्टोरेज ऑफ गोल्ड है, ये 8,133.5 टन, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका का स्वर्ण भंडारण है। और फिर उसके बाद है जर्मनी का 3,369.7 टन, और भारत का 11वां स्थान है स्वर्ण भंडारण में, स्टोरेज ऑफ गोल्ड में, गोल्ड स्टोरेज का ये 11वां स्थान है। विश्व स्वर्ण परिषद की स्वर्ण भंडारण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का 11वां स्थान है। कितना है यहाँ पे स्टोरेज ऑफ गोल्ड है, 607 टन गोल्ड स्टोर है। ओके, नेक्स्ट है यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर सादिक खान को मिला है, वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव सुभाष गर्ग। मोबाइल ऐप वन दिल्ली, दिल्ली सरकार द्वारा बस स्टॉप, बसों की रियल लोकेशन आदि हेतु मददगार है। नेक्स्ट, युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल द्वारा ये शुरू किया गया है, 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी गई है। और 22वां केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय ये रानी पोखरी उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख रहे हैं 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 10 मार्च के क्वेश्चन, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 50वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया जाता है, और ये 1969 से शुरुआत हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 50वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, इसकी स्थापना हुई है 1969 में। मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना, इसके तहत राज्य के 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसके अकॉर्डिंग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को वीक में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की अंतरिम आउटलुक रिपोर्ट 2019। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की अंतरिम आउटलुक रिपोर्ट 2019, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, इसका तथ्य है विश्व अर्थव्यवस्था 2019 में 3.3% तथा 2020 में 3.4% की दर से बढ़ेगी। क्या है ये? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की अंतरिम आउटलुक रिपोर्ट है ये 2019 की। इसमें है विश्व अर्थव्यवस्था 2019 में 3.3% तथा 2020 में 3.4% की दर से बढ़ेगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ये जो विश्व अर्थव्यवस्था है ये बढ़ेगी इतनी दर से। और नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019 में 7.2% तथा 2020 में 7.3% पूर्वानुमानित है, ठीक है, पहले से ये माना गया है कि इतनी ये बढ़ेगी वृद्धि दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, और 2019 में 7.2% तथा 2020 में 7.3% बढ़ेगी। OECD ये इसमें ये 36 सदस्य देश है, ठीक है, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसमें 36 देश इसके मेंबर हैं, और इसका गठन कब हुआ था, 1948 में, ठीक है, OECD का ये गठन हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड में आतंकी हमला ये क्राइस्ट शहर में अल नूर मस्जिद तथा लिनवुड मस्जिद पर
हुआ था। न्यूजीलैंड में आतंकी हमला हुआ था क्राइस्ट शहर में अलनूर मस्जिद तथा लेनवुड मस्जिद पर हुआ था। जर्मन ओपन 2019 का आयोजन हुआ था मुलहिम जर्मनी में। इसमें पुरुष एकल में केंटो मोमोरा जापान के थे और महिला एकल में अकाने यामागुजी ये जापान, दोनों जापान के थे। पुरुष एकल में भी ये जापान के थे खिलाड़ी और महिला एकल में भी जापान की खिलाड़ी थी। ये ठीक है, विश्व का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा देश भारत। ओके, अकुला श्रेणी पनडुब्बी में ये भारत रूस ठीक है में $3 अरब में समझौता हुआ था। अकुला श्रेणी पनडुब्बी में भारत और रूस में $3 अरब में समझौता हुआ था और भारत में यह चक्र तृतीय के नाम से जाना जाता है। अकुला श्रेणी पनडुब्बी यह चक्र तृतीय के नाम से भारत में जाना जाता है और इसमें यह भारत और रूस में $3 अरब में समझौता हुआ है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 11 मार्च के, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 10 मार्च के करंट अफेयर्स को देखा, नाउ कम टू द 11th मार्च करंट अफेयर्स। भारत का पहला HIV उपचार केंद्र कहाँ है? बम्बई में है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन में। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन में। प्रथम पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय भारत को दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 का आयोजन बर्लिन में हुआ और प्रथम पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय भारत को दिया गया, ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 एको जनरल इंश्योरेंस ACKO की स्थापना 2016 ईस्वी में हुई, ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 एको जनरल इंश्योरेंस है ये को मिला, एको को दिया गया और इसकी स्थापना 2016 में की। मिजोरम के पहले लोकायुक्त सी लालवासा, राज्यपाल जगदीश मुर्खा। ओके, मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन है? सी लालवासा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। RBI नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में सोने का 10वां सबसे बड़ा धारक बनने जा रहा है। ओके, नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दुनिया भर में सोने का 10वां सबसे बड़ा धारक बनने जा रहा है। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के कच्छ जिले में गुजरात में विशाल कब्रिस्तान की खोज की है। यह कब्रिस्तान 4600 से 5200 वर्ष पुराना है जिसकी लंबाई चौड़ाई 300x300 मीटर है जिसमें 250 से ज़्यादा कब्रें हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है भारत, पहला है सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश और दूसरा है भारत। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रही हूँ और इसके आगे का जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा स्टूडेंट्स एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।